हेलो बच्चों, तो आज मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन ऑफ द डे वन लेकर के आया हूं फिजिक्स में। देखिए बेटा, जो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको तीन टॉपिक्स को कवर करता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन टॉपिक्स को एक साथ कवर करता है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है, टॉपिक काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर, इन तीन कॉन्सेप्ट्स, इन तीन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड यह एक सिंगल क्वेश्चन है जो कि आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। तो आइए देखते हैं इसको, क्या कह रहा है यह क्वेश्चन। अ बॉडी ट्रेवल्स विद वेलोसिटी, अ बॉडी ट्रेवल्स विद वेलोसिटी वीटी, मीन्स वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टी आई कैप माइनस 1 मीटर पर सेकेंड क्यूब टी स्क्वायर जे कैप। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। मास ऑफ द बॉडी जो आपको यहां पर दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1 केजी। तो चलिए देखते हैं बेटा इनमें क्या क्या है। चार स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहा है। पहला स्टेटमेंट देखिए, वर्क डन बाय द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड, वर्क पूछ रहा है तो हमें वर्क एनर्जी लगाना पड़ेगा। पावर डिलीवर्ड बाय द नेट फोर्स इज नेवर 0 फॉर टी ग्रेटर देन 0, टी इक्वल टू 0 पे नहीं कंसीडर करना है, टी ग्रेटर देन 0 पे कंसीडर करना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड इज इक्वल टू दिस मच, 24 जूल। एंड फोर्थ ऑप्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, इक्वल टू 0 से लेकर के इक्वल टू 3 सेकेंड में जो है आपका 9√2 मीटर। चलिए आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए। देखो बेटा, आईटीजी में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पहली बात आप लोगों को जानना है कि ये बिल्कुल एलिमेंट्री और बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। इनमें आप कोई भी स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला, प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला, रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला या किसी भी तरह के फॉर्मूले आपके काम नहीं आने वाले हैं। काम क्या आएगा, काम सिर्फ ये आएगा कि आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है, और वो मैं आपके सामने यहां पर लेकर आया हूं। तो देखो बेटा, हम लोग इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट पार्ट कह रहा है वर्क डन बाय द पार्टिकल, तो वर्क जो है हमारा क्या आता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से आता है। लेकिन अब यहां हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो यहां आप ये भी देखेंगे कि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है उसे डिफरेंशिएट करने पे हमें एक्सीलरेशन मिलेगा, तो एक्सीलरेशन हमारा आएगा डीवी बाई डीटी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, मैं यूनिट को भी अवॉइड कर रहा हूं सो दैट कि हमें अननेसेसरी ज्यादा चीजें नहीं लिखनी पड़े, बट यूनिट का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो 2 हो गया, टी का डिफरेंशिएशन 1, 2 आई कैप माइनस 2t जे कैप। तो यहां देखो बेटा, एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, नेट फोर्स जो हो जाएगा, लेट इट सिंपली कॉल एफ, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास आपका कितना है, मास कितना है, सारी चीजें एसआई यूनिट में है, तो आप यहां पर यूनिट को मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि सारी चीजें एसआई यूनिट में है। तो हम इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि चूंकि एसआई यूनिट में सब कुछ है तो हमारा फाइनल कैलकुलेशन भी एसआई यूनिट में ही आएगा। अब देखिए यहां पर, तो एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द बॉडी 1 kg दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया 2i कैप माइनस 2t जे कैप। आइए अब यहां से आगे बढ़ा जाए, यहां से आगे बढ़ा जाए, फोर्स आ गया बेटे, फोर्स आ गया। अब हम फोर्स से वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे इंस्टेंटेनियस पावर भी की कितनी सारी चीजें यूज हो रही है, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर की बात करिए तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर हो जाता है आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स आपका ये रहा, वेलोसिटी ये रहा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो 2i कैप और 2t i कैप, तो ये हो जाएगा 4t। ओके, i कैप डॉट i कैप वन होता है, इट्स वेरी सिंपल, ये चीज आप समझ सकते हैं। और यहां पर देखिए 2t माइनस 2t j कैप, और यहां पर t स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका t
2t³। तो ये आपका पावर आ गया, माइनस यहां भी है और माइनस यहां भी है, तो दोनों मिलाकर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 2t × t²। तो ये आपका आ गया 4t + 2t³। ओके अच्छा बेटे, यहां से अगर हम चाहें तो इस एक्सप्रेशन को एक बार, सॉरी पावर पे वेक्टर नहीं लगाना है, पावर स्केलर होता है, डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, ये फ्लो में लग गया। तो ये देखते हैं इसको, तो पावर का एक्सप्रेशन आ गया। अगर इस पावर के एक्सप्रेशन में मैं 2t कॉमन ले लूं, तो 2t कॉमन ले लूंगा, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 + t²। ओके अब देखिए यहां पर एक ऑप्शन जरूर दिख रहा है कि पावर आ गया 2t + t²। 2 + t² हमेशा पॉजिटिव होगा, 2 + t² हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि पावर जो है t = 0 पे ही सिर्फ 0 होगा। तो इस ऑप्शन को देखिए, पावर डिलीवर्ड बाय द नेट फोर्स इज नेवर 0 फॉर t > 0। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्यों सही हो गया, क्योंकि 2 + t² हमारा हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, तो 2 + t² पॉजिटिव होते ही सिर्फ t = 0 पे ही पावर आपका 0 हो सकता है। अब इसी पावर के हेल्प से हम वंडर निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि सिंस पावर = dW/dt, तो बेटा यहां से इसको लिख लीजिए 4t + 2t³। तो ये आपका पावर क्या आ गया, 4t + 2t³। अब इसको आप क्या करेंगे, यहां से आप dW को फाइंड कर लेंगे, दैट इज 4t + 2t³, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, पावर आपको यहां पर जो है पावर से वर्क डन निकलेगा। कब निकालना है आपको वर्क डन बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकंड में। तो 0 से 2 सेकंड के लिए आप लिमिट लगा दीजिए, एंड यू विल गेट वर्क डन, कितना आ जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 2t² + t³ है, तो ये हो जाएगा t⁴/4, सो 2 कटेगा और आपका आ जाएगा t⁴/2। लिमिट क्या लगाया है बच्चों, आपने लिमिट लगाया है 0 से 2, तो जैसे ही आप 0 से 2 लिमिट लगाएंगे, तो यहां पर आपका 2 का² 4, 4 × 2 8 हो गया, 2 का 4 / 16 / 2, सो हाउ मच यू विल गेटिंग, तो ये आपका 16/2 8 आ जाएगा, एंड व्हाट यू विल गेट बेटा, व्हाट यू विल गेट हियर, दैट इज 16 जूल। तो यहां पे क्या दे रहा है, यहां पर क्या दे रहा है कि वर्क डन बाय द पार्टिकल इन द इंटरवल 0 से 2 सेकंड इज 12। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, बी ऑप्शन सही है। अच्छा ये देखिए, यही से हमारा सी ऑप्शन भी मिलेगा, ये वर्क डन निकल गया। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्स = change in kinetic energy। तो आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वर्क डन के बराबर हो जाएगा, यानी 16 जूल ही होगा, 24 जूल नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आइए मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम 3 सेकंड, मतलब 0 से 3 सेकंड में हम देखेंगे क्या आएगा। तो देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम फिर से वेलोसिटी को यूज करेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहां पर कि सिंस वेलोसिटी = dr/dt, तो दैट इज = how much, 2t i cap - t² t² j cap। तो बेटा यहां से dr का जो इंटीग्रेशन होगा वही आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा, तो ये हो गया 2t i cap - t² j cap dr, दिस इज dt, तो इसका इंटीग्रेशन ही आपको देगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां लेना है, 0 से 3 सेकंड लेना है, तो 0 से 3 सेकंड रखिए, चलिए t का इंटीग्रेशन t² / 2, तो ये आपको डेल्टा r डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये कितना आ जाएगा t² / 2 करेंगे, यहां पे पहले से 2 है, तो ये आ गया आपका t²
और ये हो जाएगा आपका टी क्यूब बाई थ्री, टी क्यूब बाई थ्री, तो ये हो जाएगा आपका टी क्यूब बाई थ्री। और आप लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, ये आई कैप और ये जे कैप, तो ये लिमिट लगाएंगे आप जीरो से थ्री आई कैप जे कैप में है। अब आप जब लिमिट लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, नाइन आई कैप माइनस नाइन जे कैप, जिसके मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया 9 रूट 2 मीटर। तो आप क्या देखोगे कि डी ऑप्शन करेक्ट है, देयरफॉर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। सो आई होप एवरी ऑफ यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं। तो चलिए बेटा इसको आप लोग एक नजर अच्छे से देख जाइए, और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम फिजिक्स में ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में भी डिस्कस करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर इन क्वेश्चन से आप कमांड करते हैं तो आपको कोई आईटीजी मेंस और जी एडवांस क्रैक करने से कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो कि रोक सकती है। सो लेट्स